नर्मदाष्टकम् भगवत्पाद श्रीमद् आदि शंकराचार्य स्वामी विरचितम् नर्मदाष्टकम् सविन्दु सिन्धु सुस्खल तरंग भृंग रंजितम् सैकड़ों वर्षों से ये परंपरा चल रही है और आचार्य जी ने चार दिशाओं में चार मठ स्थापित इसीलिए किए कि हम सब में एक एकात्म भाव हो। आस्तिक नास्तिक मत तब भी था, नास्तिक मत आज भी है। पाखंड मतवाद तब भी था, पाखंड मतवाद आज भी है। इस सब को अगर निराश करना हो तो आचार्य जी ने जो सिखाया है उसकी ओर जाना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वही प्रयास कर रहे हैं एकात्म यात्रा के द्वारा। पहले नर्मदा माता की जो 186 दिन की उन्होंने यात्रा निकाली, उसके बाद में आदि शंकराचार्य जी के नाम पे एकात्म यात्रा जो चल रही है उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं। काफी अच्छा प्रशंसनीय ऐसा यह उपक्रम है। ध्वनत समस्त पातकारि दारिता पदाचलम् जगल्लये महाभये मृकण्डुसूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि मातु नर्मदे गतं तदैव मे भवं त्वदम्बु वीक्षितं यदा मृकण्डुसून शौनकासुरारि सेवितं सदा पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवर्मदे त्वदीय पादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि मातु नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितम् सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षि लक्ष कूजितम् वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे।